लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्थान बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं। वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। उनके गठन की पृष्ठभूमि क्या है? 1809 में स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल की संस्था का उद्घाटन किया गया था। 20वीं शताब्दी में लोकपाल एक संस्था के रूप में विकसित हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ। न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस प्रणाली को वर्ष 1962 में अपनाया और लोकपाल की अवधारणा को फैलाने में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1967 में 1961 की वॉट रिपोर्ट की सिफारिशों पर ग्रेट ब्रिटेन ने लोकपाल की संस्था को अपनाया और इस तरह की प्रणाली रखने वाला लोकतांत्रिक दुनिया का पहला बड़ा देश बन गया। 1966 में गुयाना लोकपाल की अवधारणा को अपनाने वाला पहला विकासशील देश बना। इसके बाद इसे मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और भारत द्वारा भी अपनाया गया। भारत में संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में प्रस्तावित की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉ. एल. एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दो स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की, केंद्रीय और राज्य स्तर पर सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए। 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा के भंग होने के साथ ही लैप्स हो गया और तब से ये कई बार लोकसभा में लैप्स हो चुका है। 2011 तक विधेयक को पारित करने के 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी विफल रहे। 2002 में MN की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग वेंकटचलैया ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की। ये भी सिफारिश की कि PM को प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखा जाए। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का कार्यालय अविलंब स्थापित किया जाना चाहिए। 2011 में सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय सुझाने और लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव की जांच करने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली और 16 जनवरी 2014 को लागू